everyone. My name is Manip और आज हम लोग गाइस करने जा रहे हैं सिंगापुर के फूड का फूड रिव्यू। मैं आज से कुछ टाइम पहले गाइस सिंगापुर गया था। तुम लोगों को पता होगा मैंने बहुत सारे स्टोरीज डाली थी इंस्टाग्राम पे, तो गाइस वहां से मैं बहुत सारा सामान खाने को लेकर आया हूँ। आई थिंक मैं कब गया था, दो महीने पहले लेके गाइस खाने का सामान वेस्ट हो रहा है, तो सोचा की आज चलो वीडियो बना ही देते हैं। क्यों भाई? तो देख भाई, धीरे ऐसा तेरे को टेस्ट करना है, तुझे बताना है की इंडिया से बेटर है की नहीं है। बहुत सारी चीजें होगी जो कि हम लोग कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो गाइस सबसे पहली चीज जो मैं लेकर आया हूँ वो है टैन टैन। यहाँ दिखाता हूँ तुम लोगों को गाइस, ये देखो तुम लोग यहाँ पे क्या है दीदी, क्या लगता है तेरे को? दिखा मुझे। ये जेम्स है, ये इंडिया के जेम्स लग रहे हैं। नाम देखना इसका, इसमें क्या लिखा, पीनट M&M M&M's। तो बेसिकली वहाँ पे आई थिंक जेम्स को M&M बोलते हैं यार। नहीं ये पीनट है यार, देखो इसमें पीनट है। पीनट का फ्लेवर होगा ना भाई, तू समझती नहीं। देखो गाइस खुलने में कुछ ऐसा है और अंदर, ओ माय गॉड भाई साइज दिखा पर एक बार। कलर देखो यार भाई, सेम टू सेम हमारे इंडिया के जेम्स की तरह है, बट एक्चुअल में ज्यादा साइज में बड़े हैं। टेस्ट में कैसे है? ये पीनट नहीं है, ये मिल्क चॉकलेट है, तो इसका फ्लेवर अलग है। एक टेस्ट करा दे यार, ये जेम्स है, तो ये जेम्स है, ये देख देखा। ओ गाइस देखो ये जेम्स की तरह है, ये देखो, और ये थोड़ा सा अलग है। तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ, साइज डिफरेंस दिखा दे रहे यहाँ पे। ओ अरे अरे तेरे लिए बकवास वाला, मेरे लिए अच्छे वाला। अब कर ले। तो अगली चीज गाइस जो मैं यहाँ पे लेकर आया वो है टैन टैन। अब आई डोंट नो कि तुम लोगों को ढंग से दिख रहा है, यहाँ दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। देखो भाई ये गाइस, ये है हमारी सिंगापुर की च्युइंगम च्युमी, और इसका नाम क्या है, हाई च्युमी। मी तो कहीं नहीं, मैं तो अपने से बोला। मेरे को लगा सच में हाई च्यू नाम है इसका, हाई च्यू। ओ माय गॉड गाइस, मेरे कुत्ते का नाम का था मैंने करना हाई ची भाई, सब ऑलमोस्ट सेम था। बट एक बात बताता हूं, जो मेन चीज है इसकी ना गाइस, तुम लोग गौर से पढ़ोगे यहां पे, ये योगर्ट वाली है, योगर्ट लाइक दही, दही फ्लेवर है भाई ये लिटरली। तभी लेकर आया मैं इसको, मुझे लग रहा है काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। खोल कर देना। इसका नाम है गाइस हाई च्यू चूवी कैंडी 35G योगर्ट। अरे इसको पढ़ने का तरीका आता है, एक मैं बताती हूँ तेरे को, हाई चिचू कैंडी। मत बोल प्लीज। ऑल राइट, इसको जरा एक बार खोल के देखते जरा भैया। पहले इस मुझे करा दे, पहले मुझे करा दे। अंदर से ऐसे छोटे छोटे वो है, वहाँ पे दिखाई बड़ी पड़े तो जरा भाई। मैं ना तरस गई थी दो महीने से लेकर। खुशबू सुन कितनी अच्छी है, खुशबू सुन, माय गॉड बहुत ही प्यारी खुशबू है। अबे एक साथ खा लिया, इतना च्युइंगम है ये, इतना मुश्किल मतलब आपका च्युइंगम ही है ये, बहुत टाइट है ना, इससे मेरी जॉलाइन बन जाएगी। हाँ जॉलाइन के लिए बढ़िया है। वैसे अभी मेरी जॉलाइन बाहर गया। दही वाला फ्लेवर आ रहा है, मीठी मीठी दही का है ना, एक्चुअली टेस्टी है लाइक लिटरली। ये मुझे टॉफी लग रही है, आर यू श्योर? एक गम है देख इसमें। अबे टॉफी नहीं है ये, मैं इसको अंदर ले रही हूँ। जब कीप च्यूइंग लिखा हुआ इसका, नहीं है भाई ये च्यूइंगम, देख टॉफी की तरह मैंने अंदर घूट लिए। अब तो मर जाएगी। इतने चाटे मारूंगा। टॉफी है ये, च्यूइंगम थोड़ी स्ट्रेच होती है ना, ये नहीं है। मतलब यार तुम इंडिया के च्यूइंगम की तरह थोड़ी एक घंटे तक चबाते रहो, टेस्ट खत्म हो जाता है। मुझे पता तेरे को बहुत पसंद आने वाला है, तूने मतलब उसके बहुत अलग अलग फ्लेवर्स ऑलरेडी खाए होंगे, बट जो मैं तेरे लेकर आई बहुत डिफरेंट है गाइस। अगली चीज है हमारी ये देखो यहाँ पे, पिंक कलर का लेस, लिटरली इसका नाम क्या लिखा हुआ यहाँ पे, टेस्ट ऑफ कोरिया। भाई जल्दी दे दे, मैं ना एक्साइटेड हो रही हूँ इसको खाने के लिए, क्योंकि पिंक कलर का है गाइस, पिंक कलर का। बाय द वे यार इसके अंदर ना बहुत ज्यादा हवा थी यार दीदी, तो मैंने मतलब हवा मैंने वहीं हटा दी ताकि पतला हो जाए। अगर गंदा हुआ ना ये हवा की वजह से, तू देख लो। हम लोग बहुत दिनों के बाद रिव्यू कर रहे हैं यार, एक्चुअली में गलती होगी भाई, कब से बोल रही थी मैं इसको खा लेते खा लेते हैं। ओ भाई खुशबू तो बहुत अच्छी है, मेरे को भी पहले मैं दिखा दे एक बार गाइस, देखो अंदर मेरे को तो दिखा, येलो येलो कलर का बहुत, तू खा पहले चल। ये तो अंकल चिप्स नहीं लग रहा, अंकल चिप्स टाइप है, खा दे एक बार, अंकल चिप्स लग रहा है ये भाई। ये ना अंकल चिप्स जैसा, लेकिन इसका फ्लेवर अच्छा है गाइस। मुझे ना अंकल चिप्स कुछ खास नहीं लगता, लेकिन ये अच्छा है, बेटर है भाई उससे। इधर दे दे, एक्चुअली अच्छा है, स्वेयर टू गॉड। एक काम कर, ये चिप्स मेरे लिए लाया था ना, बाकी चीजें तू रख ले, ये मैं रख लूंगी।
थोड़ा तो खा सकता हूँ, थोड़ा तो खा सकता हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो और अगर तुम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने बाहर का लेस खाया था, कपड़े अलग थे क्योंकि ना लेस हम लोगों को सिंगापुर से आने के ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद खाया था हमने, क्योंकि वो अभी मुझे पता था कि मैं दो महीने तक शूट तो नहीं करूंगा इस वीडियो को, मैं बहुत आलसी हूं भाई, है ना। दैट्स व्हाई उस वक्त खाना पड़ा हमको। एंड अभी देखो गाइस अगली चीज जो मैं लेकर आई है पोकी, पोकी इसका नाम। ये भी खाया हुआ है तूने? मतलब यार भूख लग रही थी भाई तो खाया हुआ, मतलब खोला हुआ है मैंने, आई थिंक अभी तक ये वाला तो खराब हो गया होगा जो खोला हुआ। नाम क्या है पर पोकी पोकी? पोकी पोकी नहीं सिर्फ पोकी है, एक पोकी है लिखा हुआ। दो पोकी कहां से लिख रहे तेरे को? पहले मुझे देख गाइस, मैं तुम लोगों को दिखाता हूं, यहां पे तुम लोग देखो इसको एक बारी, एक स्टिक जैसी तुम लोगों को दिख रही होगी, हालांकि ये ना टूटी हुई, इसको पकड़ते हो एक बारी। मैं ना तुम लोगों को गाइस प्रॉपर वाली नया वाला डब्बा खोलता हूं ना भाई। टेस्टी कैसा, कैसा लगा? तूने खा लिया? कैसा लगा टेस्ट में? मेरे से कंट्रोल नहीं होता खाने के चीज में। ये देखो गाइस, ये चॉकलेट फ्लेवर है और जो पहला वाला था वो आई थिंक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था, राइट। मैं तुम लोगों को दिखाता हूं क्या ये, यहां देखो तुम लोग, ये बिस्किट की तरह लग रहा है। सही बोला भाई यार, कैसे करी? अंदर खोलेंगे इसको, अंदर से कुछ ऐसा है, ठीक है, एक स्टिक जैसी है, इसके ऊपर चॉकलेट फ्लेवर है और खाने में एकदम सेम टू सेम होगा ये, उसकी तरह क्या बोलते हैं, कैसे बिस्किट की तरह, देखो एकदम सेम बिस्किट, ऐसा लग रहा है डंडी पे बिस्किट लगा के खा रहा हूँ, लिटरली इंडियन बिस्किट। वो भी वो ज्यादा अच्छा है, ये वाला ज्यादा है ना स्ट्रॉबेरी वाला, तू ये खा ले कोई नहीं, इसीलिए मैंने खा लिया था इसको। कोई बात नहीं, वो वैसे भी उसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत सारा है, तेरे को ये भी नहीं मिलेगा। बिस्किट एज अ स्टिक खा रहा हूं मैं यार, बड़े इनोवेटिव सी चीज है यार उनके पास, बहुत अच्छी है ना। ये और भी ला सकता था, और नहीं ला सकता था, इसने दिमाग में नहीं लाया, एक ही लेज लाया इसने, वो लेज कितना टेस्टी था यार, बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी लेज था, भगवान की कसम से। कसम नहीं भी खाता तब भी मैं मान जाती। अब अगली चीज जो गाइस मैं लेकर आया हूँ वो है एक टॉफी, टेन टेन है। यार देखो भाई ये है गाइस हमारे सिंगापुर के टॉफी, तुम लोग इस पे नाम भी पढ़ सकते हो, सिंगापुर की ही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे लग रहा है बहुत टेस्टी होगी, जल्दी खोल इसको, मुझे लग देख के लग रहा है ये बड़ी पिंक कलर की, आई थिंक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो सकती है, राइट। बिल्कुल, एक बार इसको तो खा जरा, एक बार दिखने में थोड़ी सी ऐसी मोमबत्ती ऐसी है बट एक्चुअल में है ये टॉफी, खा इसको, खा और चबा इसको एक बार इधर, बहुत टेस्टी होगी, मैंने खाई भी है, अलग सी स्मेल आ रही है भाई, ये पूरा डब्बा लेके आया था, खराब तो नहीं होगी, कम से कम 10-15 टॉफी थी उसके अंदर, खा इसको एक बार। कैसी लगी? अब खट्टी है, बहुत गंदी है ना, बिल्कुल खाने लायक ये नहीं। नहीं ये ना इंडिया में भी ऐसा कुछ मिलता है, ये पता कैसे लग रहा है ना, एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं पता, जैसे तुम लोग किसी चूरन, चूरन गोबर के अंदर, गोबर के अंदर अगर तुम लोग चूरन डाल दोगे, वो भी हाजमोला नहीं, हाजमोला से भी कुछ बहुत ही खतरनाक वाला चूरन, ठीक है, फिर उसको तुमने सड़ा दोगे एक साल के लिए, फिर टॉफी बना के खिलाओगे। अब मजे की बात है, इसने वो गोबर वाला चूरन खाया है, इसीलिए इतना एक्सपीरियंस, मैंने एक बार इसीलिए इतने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं, मैंने एक बार गाइस टेस्ट किया एंड देन उसके बाद मैं समझ गया बहुत गंदा, मैं एक टॉफी स्किल रखूंगा, बाकी मैंने फेंक दी थी। टू नहीं नहीं, गोबर वाला जो तूने समझाया ना वो तो ऐसा लगता तूने पक्का खाया है, तभी तू इतना एक्सपीरियंस बोल रहा है कि गोबर में ऐसे मिला के, चल कोई नहीं है गोबर खिला दिया ना। अब मैं गाइस एक ड्रिंक लेकर आया, मैं तुम लोग अभी दिखाता हूँ, और ड्रिंक का नाम है गाइस वांट जेली ड्रिंक, है बहुत ही ज्यादा, मतलब तुम लोग इसके पैकिंग देखोगे ना भाई, हद से भी ज्यादा क्यूट पैकिंग है इसके, टू बी ऑनेस्ट भाई बहुत क्यूट पैकिंग है, ले आजा इसको टेस्ट कर एक बार, इसको टेस्ट कर, ये भी तो है दो दो ड्रिंक, ये बाद में टेस्ट, तो भाई एक बार में एक भी ना, इसको भी एक बार थोड़ा सा शेक करेंगे पहले, अब इसको पिए एक बार। तूने ना ये भी खोला भाई, इसकी सीलिंग टूटी है, मैंने टेस्ट किया इसको भाई, ये बहुत तेरे को ना एकदम नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ जाएगी, पी इसको एक बार, फिर टेस्ट कर इसको एक बार, क्या लग रहा तेरे को, कैसा लगा बता। अभी तो हमारे यहाँ गोलगप्पे का पानी मिलता है सर, आर यू सीरियस? सेम है ना, ये कैसे हो सकता है भाई, पिंक कलर का थैली और इसमें गोलगप्पे का पानी है, गाइस इसमें गोलगप्पे का पानी है, इसमें तो जेली ड्रिंक लिखा है, गोलगप्पे का पानी सेम है ना, इसका ये खुला हुआ था, तूने कुछ हेरा फेरी किया है, हेरा फेरी किया ना, हो ही नहीं सकता। मैंने इसकी ड्रिंक यहाँ निकाल दी थी और उसके अंदर मैंने गोलगप्पे का पानी, कहाँ छुपाई भी थी वहाँ पे यार, क्या इंसान दे असली ड्रिंक ट्रेस करा, इसके अंदर मैंने गोलगप्पे का पानी भरा, बाय द वे इसको जस्ट रोल करने के लिए, कैसा लगा बता। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया, बेकार लगा तेरे को सीरियसली? गाइस आई डोंट लाइक जेलीज, और दूसरी बात ये है 2 महीने से कोई ड्रिंक पड़ी है तो वो अच्छी रहेगी, बता जरा। मैं फ्रिज में रखी थी यार, फ्रिज में भी रखी तब भी बट ब्लैक करंट जूस, तुम लोगों को पता होगा ब्लैक करंट एक फ्लेवर है बेसिकली, उसकी आइसक्रीम वगैरह मिलती है। मुझे टेस्ट कराने के लिए खुद पी गया पहले, अब इसके अंदर वो फंस गया, इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके ना, ये इतना गंदा लगा।
कितना गंदा था ये। देखा ना तुमने क्या हुआ? टेस्टी बात है बट एक एक नाक से तो नहीं निकला था ना? लगा वैसे ही था। चीज़ सोच किसके नाक से निकला होगा? चीज़ से। All right guys, तो देखो अगली चीज जो मैं लेकर आया हूँ वो ना खाने की नहीं है बट वो है guys हमारे पोकेमोन कार्ड्स। देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे भाई साहब ये चीज बेसिकली मैंने ना अपने दोस्त एसजे को भेजा था, उसने मुझे बोला कि उस दुकान से ना तुम लोग भाई जितने भी ज्यादा से ज्यादा पोकेमोन कार्ड्स लेकर आ सकते हो लेकर आ जा भाई, ठीक है ना। अब गड़बड़ी होगी कि उस मॉल में वो दुकान ही गुम होगी मेरे से भाई, इतना बड़ा मॉल था, मैं वापस पहुंच ही नहीं पाया उस दुकान तक। एंड बाय द वे पोके बॉल भी लेकर आया मैं, ये मैं खोलूंगी, तू इसको उस कैमरे पे खोल एक बारी। और गाइस इसी कैमरे पे मैं तब तक इसको खोलता हूं अपने पोकेमोन कार्ड्स को। देखो भैया, ओह माय गॉड, इसके अंदर बहुत सारे पोकेमोन कार्ड्स है। आई थॉट कि एक होगा। व्हाट? Oh! यार मेरे को ना कम से कम 10 पैकेट लाने चाहिए, तो वैसे दो ही लेकर आया हूं। मैं नूब यार, मैंने चूज करना, तू ऐसे ऐसे करके वो कर, मैं चूज करूं। भाई इसके अंदर बहुत सारे हैं। ओह माय गॉड भाई, मैं पागल होता जा रहा हूँ भाई। एक चीज बताऊं, मैंने इस पोकेबॉल के अंदर देखा कि इसमें एक पोकेमोन है, तू गैस कर ये क्या पोकेमोन होगा? पोकेमोन है इसके अंदर, सीरियसली? हाँ, पोकेमोन है इसके अंदर। इसके अंदर होगा हमारा पिकाचू। पिकाचू नहीं होगा तो फिर क्या ही फायदा? पिकाचू इतना कॉमन गैस मत करना। किस टाइप का क्या काम था उसका ये बता तू मेरे को। मुझे इतना याद है। तब तक गाइस मैं इस कैमरा में तुम लोगों को दूसरा वाला भी अनबॉक्स करके दिखा रहा हूँ, तू मुझे बता एक बारी मतलब इसका काम क्या है, इसको खुद नहीं पता देखा कितनी चालू है। उसका काम है वो ऐश का सबसे फेवरेट पोकेमोन है। एकदम सही। एक्चुअली गाइस मुझे बाहर से ना चार्मेंडर दिख रहा था, इसलिए मुझे पहले लगा इसने गलत बोला, लेकिन इसने एकदम सही बोला। और ये क्यूट सा इसने टोपी पहनी है भाई, इसका ना मुझे गाइस पिकाचू वाला मिला। यहाँ देखो पिकाचू, लेट्स गो। ये असली चीज है, इसने टोपी पहनी हुई है गाइस। शिमला में ठंड होती है इसलिए इसने टोपी पहनी है। कितना क्यूट है ये। मेरे भाई इतने सारे पोकेमोन कार्ड्स है ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अभी मैंने बोला मुझे बहुत सारे, आई एम अ नूब यार, मुझे ना बहुत सारे लाने चाहिए थे, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। जैसे तुम लोग चाहते हो मैं इन सबको लाइक तुम लोगों को डिटेल में दिखाता हूँ, मैं एक दूसरी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को, अब दिखा। ए, क्या किया तुमने, तोड़ दिया क्या? अरे इसकी कान अलग से है। अरे मेरे को कार्ड चूज करना था एक, उसमें से एक दिखा तो सही, मैंने चूज करना था एक कार्ड अपने लिए। चूज कर लिया ना भाई, पर ये बहुत सही चीज है यार, पोकेबॉल। माय गॉड, सी मैंने पिकाचू के कान जोड़ दिए। कितना क्यूट है ये, देखो इसको। ओ माय गॉड, इसको तुमने अपने टेबल पे, ये मेरा है, मैंने बोला ना उसे रखूंगे। ले एक चीज लेके आ, बदल ले। और यार क्या है? मेरे को लगा बदल, ये है मकड़ी मोन, नकली मकड़ी बन रही है, किसी काम की नहीं है। स्पाइडर मोन बोलता तो तब भी बात बनती, मकड़ी मोन सीरियसली? हम देसी है भाई, मकड़ी मोन बोलेंगे, हम क्यों बोले स्पाइडर मोन? देसी में भी तो हर कुछ बोलता है भाई। यार एक अपडेट है भाई, ये देखो यहाँ पे वो जो पोके बॉल था उसके अंदर का पिकाचू का क्या मस्त फीचर है, जो मुझे अंगद भाई एंड ड्रीम बॉय, अच्छा तो उन्होंने मुंह छुपा दिया वरना फेस भी ले जाता। और एसजीओ ने बताया भाई, वेलकम टू शिमला गाइस, वेलकम टू शिमला, लेट्स गो, वेलकम भाई, वेलकम। ये क्या है भाई, ठंड तो बहुत है भाई, ठंड तो बहुत है भाई। ऑलराइट गाइस, तो अगली चीज जो मैं लेकर आया हूं, इसकी नाम तो है हाउ बॉल, हाउ बॉल, बट आई थिंक कुछ स्वीट सा लग रहा है मेरे को, है ना? ये भाई पक्का खट्टा है भाई, ये खट्टा होगा, ये खाली क्यों डब्बा? तू नहीं खाया? मैंने पता नहीं खाया कि नहीं, मैंने तो देखा भी नहीं है। ये ना आई थिंक शुगर में लिपटा हुआ एक बॉल जैसी चीज है, खा जरा। ये खट्टा मीठा होगा, पक्का है। हमारे यहाँ इंडिया में भी मिलती है ऐसी चीजें, बहुत मिलती है, उसको बोलते क्या है, खट्टा मीठा है ऐसा थोड़ा। टेस्टी यार, टेस्टी है। चलो अगली चीज, ये क्या है? जैसे हमारे यहाँ मिंट होती है, मिंट नहीं है ये, ढंग से देखो, स्टीविया ला दिया मैंने गलती से, स्वीटनर जो चाय में डालते हैं, यहाँ पे डालते हम लोग चीनी की जगह, वो जो शुगर के बहुत ज्यादा है दूसरा, दिखाई तो कॉन्शियस लगे, वो ला दिया मैंने, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया? नहीं खाया, पर यहाँ पे टॉफी की तरह लिटरली, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं चीनी डालते हैं ना, चीनी की जगह पे हम लोग वही डालते हैं, यहाँ पे शुगर फ्री एक क्यूब डालते थे उसका, है ना, जो हेल्दी होता है बेसिकली, चीनी का हेल्दियर वर्जन, वो यहाँ पे कैंडी की तरह खाते थे एक बार, कैसा है? मैं भी खाऊंगा। मुझे क्यों खिला रहा है फिर? पर टेस्ट करना है भाई हमको, हम रिव्यू कर रहे हैं। देखो भाई जी है, ओह माय गॉड बहुत टेस्टी है। अगर किसी को ना चबाश को वो वाली कैंडी पसंद थी ना बचपन में, कौन सी होती थी, ऑरेंज कैंडी, तो उनको ये पसंद होगा, बहुत टेस्टी है। लेकिन ओ माय गॉड, अगली चीज है, खाने की चीज नहीं है भाई, खाने में नहीं दे रहा है मुझे, पहले ही अगली चीज है। ये क्या है? पता नहीं क्या है यार, मिंटिया लिखा है इस पर, रुक जाएगा, मिंट होगा, पर मतलब मिंट क्या है, ऐसा लग रहा है कि होने तो वो एक्स का वो हम लोग जो डीओ डालते हैं, रेडी टू गो की डीओ अपने साथ लेके जा सकते हैं, वैसा लग रहा है सेम टू सेम, पर मिंट है। ओ माय गॉड, इसका डब्बा देखो भाई गाइस,
मैं तुम लोगों ने इसको खोल के दिखा देना, ये है डब्बा, यहाँ से आई थिंक यूं खुलेगा, ठीक है, और अब यहीं से छेद है और यहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि गोली को। सो गुड, तेरे पास ये फ्लेवर है और मेरे पास ये फ्लेवर है भाई, इसका डब्बा खोलेगा नहीं, देखा साइड में खुलेगा। फ्लेवर का नाम बता। पीच, फ्रेश पीच। मेरे पास है ग्रेप। हाँ एक बार टेस्ट कर इसको। निकल ही नहीं। अच्छा निकला, टेस्ट कर। और एकदम फ्रेश है ना, मेरे को वो वाला खिला तो ये वाला खाएगा। ये ना एकदम ग्रेप की तरह ही लग रहा है। एकदम ग्रेप्स की तरह लग रहा है। यस, ग्रेप बोला। ओह सही में बहुत टेस्टी है भाई, ये चीज बहुत ऑसम चीज है यार। अगर तुम लोग आज गौर से पढ़ोगे, इसमें ना फ्रेश ग्रेप लिखा हुआ है, और इसको मुंह में डालते हैं ना एक फ्रेशनेस वाली फीलिंग आ रही है ना। बहुत सही है। जैसे हमारी देसी है ना, देखो मैंने ये भी रखी है, पोलो रखी हुई है, ठीक है, जो खाते है को ठंडाक नहीं आती मुंह में, ठंडी ऐसी, इससे सेम आ रही है वैसी ठंडाक। और इसको ना गाइस मैं ना अपनी जेब में डाल रहा हूं, इसको मैं ही खाऊंगा। अबे ग्रेप वाला मेरा है, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारे, पोलो ही मेरी है, खाते रहो भाई। अगली चीज देखो गाइस, देखो मैं दो चीज लेकर आया अगली, इसका नाम है चौको रूम्स मशरूम। बेसिकली तुम लोग को मैं दिखाता हूँ, यहाँ लो गाइस, इसके ऊपर तुम लोग फोटो देख रहे हो, मशरूम जैसी चीज बनी हुई है, वेनिला फ्लेवर, और ये अगर तुम लोग देखोगे तो आई थिंक चॉकलेट फ्लेवर है, ये और ये मशरूम्स है। ये वाला कैमरा बहुत अच्छा है भाई, देखिए इसके लिए ना यहाँ पे प्रोडक्ट शो करने के लिए, वेरी नाइस। ये तुम लोग देखो यहाँ पे, आइए खोल के चेक कर जा रहेगा कैसा लगा। छोटे छोटे मशरूम निकलेंगे इससे, क्या कहता है मशरूम फ्लेवर, क्या ये भी बिस्किट है। हाँ जैसे स्टिक्स हमने खाई थी ना इससे पहले गाइस, सेम है, मतलब सेम, बट वो स्टिक्स है, ये मशरूम है, बहुत टेस्टी है, चाय के साथ बहुत मजा आएगा, है ना। कितने इनोवेटिव है ना वहाँ पे लोग, स्टिक्स मशरूम में बिस्किट निकाल रहे हैं, मजा आएगा ना इसको चाय के साथ खा के। चल चाय बनाइए इसके बाद। चाय पीने का अलग अलग बहाना है भाई बंदे के पास। एंड आई थिंक गाइस अब हमारे पास अनफॉर्चुनेटली आखिरी चीज बची हुई है, आखिरी चीज ये है हमारा, तो कैडबरी की है, कैडबरी का कैरा मिल्क भाई। ये चॉकलेट है भाई, एक नॉर्मल थी चॉकलेट, बट देखो तुम लोग कितनी अलग है, इंडिया में तो ऐसी नहीं मिलती, राइट, मैंने आज तक नहीं खाई कैडबरी की ये वाली चीज, ये वाली चॉकलेट, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। हालांकि गाइस मैंने वहां से ना आई थिंक प्रोटीन बार्स वगैरह भी लेकर आया था, बट वो मैंने पहले ही खा लिया था, भूख लगी थी दो महीने पहले की बात है। माय गॉड, खुशबू सुन के करी ऊपर देखा भाई, बहुत बढ़िया लग रही है ये सीरियस। वहाँ पे तेरे को पता है अलग अलग फ्लेवर की किटकैट भी मिलती है, अगर इसको मतलब यार। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया में चॉकलेट खाते हैं ना, उन चॉकलेट्स के अंदर तुम लोग कम से कम 100 गुना ज्यादा दूध डाल दो। एग्जैक्टली, एकदम रिच इन फ्लेवर है भाई, बहुत रिच इन फ्लेवर है, बहुत कंडेंस मिल्क नहीं आता, कंडेंस्ड मिल्क डाल दो भाई, बहुत टेस्टी है, बहुत से भी ज्यादा टेस्टी है भाई, शुगर हो जाएगा मेरे को ऐसा लग रहा है, इंडिया में नहीं मिलती भाई ये चीज। इंडिया में ना इसमें और भी फ्लेवर्स है, वो भी नहीं मिलते, वो भी लाने चाहिए तुझे। पर मैं ना इनका प्राइस देखना चाहूंगा एक बार। Few moments later. मतलब गाइस इंडिया में ना इस टाइप की चॉकलेट अगर तुम लोग खाओगे तो भाई 60 रुपए की तो नहीं पड़ेगी, आई थिंक 30 रुपए की पड़नी चाहिए, 30-40 रुपए की, राइट, इस टाइप की चॉकलेट इंडिया में 60 की मिलेगी भाई। चल 60 की मान लो मिल रही है, तो बाहर भी ऑलमोस्ट 80-90 रुपए की, ज्यादा महंगी भी नहीं, 80-90 रुपए मैक्सिमम, तो मतलब थोड़ा महंगा तो चलता है, बट ऑलमोस्ट सेम ही है, बट बहुत ज्यादा बढ़िया, मजा आ गया गाइस। एंड क्या गाइस, अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई है तो इसी टाइप के और इनोवेटिव आइडियाज बहुत सारे हैं हमारे पास जो हम लोग करने वाले हैं। अगर तुम लोग चाहते हो हम लोग अलग अलग कंट्रीज जाकर वहाँ के स्नैक्स लेकर आए, तो हमें पैसे दो भाई, ज्यादा व्यूज दो, व्यूज से पैसा मिलेगा तो हम जाएंगे, डायरेक्ट पैसे भी दे सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, वीडियो पसंद है लाइक जरूर करना, चैनल पे गाइस तो सब्सक्राइब जरूर करना, और हम लोग मिलते हैं तुम लोगों से ऐसी धांसू नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक स्टे ऑसम मैन, बाय।